और जहाँ तक मेंटल स्ट्रेस का ताल्लुक है, आपको पता है कि रमज़ान में एक नेचुरल सुकून भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास रहता है, है ना। एक खाने पीने से आदमी अगर अपना ध्यान कम कर ले, हटा ले, तो उसके पास फिर और भी चीज़ें करने की होती हैं। कुरान का अगर मुताला करा जाए, समझ के पढ़ा जाए उसको, नमाज में आप ध्यान दें, अपने सजदों पे ध्यान दें, रुक के ठहर के नमाजें पढ़ें, रात दिन नो एक रूटीन रिचुअल बना के पढ़ा जाए उसको, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व होती हैं। और जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि सोना बहुत ज़रूरी है जी। हमारे यहाँ अक्सर खासतौर पर नौजवानों का ऐसा मामला रहता है और बड़ों का भी, कि वो कोशिश करते हैं कि रोज़े में सो जाएं जी, रोज़े का पूरा टाइम पास हो जाए आपके सोने में और इफ्तार के बाद से सहरी तक आप जगते रहो जी। तो ये एक बड़ी ख़राब चीज़ है, बिकॉज सोने का टाइम अल्लाह ताला ने रात को बनाया है जी। रात में ऑब्वियसली आप थोड़ी इबादत ज़्यादा करते हो रमज़ान के महीनों में, ताक रातों में और ख़ासतौर पर इसमें, पर उसके बाद भी सोने का वक्त बेसिकली नाइट में है, या आप फजर के बाद थोड़ी देर सो लें, पर आप फजर से असर तक सोते रहें और उसके बाद फिर इफ्तार के लिए तैयारी शुरू कर दें, तो ये और भी मुज़िर है आपकी हेल्थ के लिए।